कैसी लड़की हो तुम्हें, जरा भी कॉमन सेंस नहीं है? रजिस्टर ऑफिस में आने का वादा करके इसे ठेंगा दिखा लिया। देख बेटा, सुरेश दिखने में सांप जैसा दिखता जरूर है, मगर वो 24 कैरेट गोल्ड है। तुम्हें तो पता ही है कि वो कितना अच्छा इंसान है। रखे ना रखे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए हम फादर हैं। ये है उसका बिग फादर और मैं हूँ स्मॉल फादर। इस दुनिया के सारे मर्द उसके फादर हैं। तो फिर अकेला ही बिग फादर क्यों हो गया? सॉरी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम से निकालने के लिए हीरो आता है ना। ओके कंटिन्यू। देखिए मैडम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो उसे सेटल करने के लिए johnny.com हाजिर होगा। ए पिज्जा खोल दे। ये लो। ए तू, तेरा नहीं यार, मैडम के हाथ पर खोल। इन्हीं से पूछते हैं सुरेश से ने क्या प्रॉब्लम है। जवानी के जोश में आकर गलत कदम उठा लेते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। पापा, ये तो सच में रसमलाई है। सुना है बनाते समय भगवान सबको अलग रंग देते हैं, लेकिन इसे तो इंद्रधनुष के सारे रंग दे दिए हैं पापा। दूसरे के मुंह का निवाला मत छून, वो पहले ही गले में रस्सी डाल चुका है। इन दोनों का एग्रीमेंट इसके पेट में पल रहा है। पापा, मेरा दिल सच में बहुत दुखी है। मैं अभी आता हूँ। क्या? देखो उस प्यार के खेल में उसने इसे या इसने उसे धोखा दे ही दिया है। किसी को बच्चे की फिक्र नहीं है। ये कहे तो मैं इसे जिंदगी दे सकता हूँ। अरे पिज़्ज़ा। यस पापा। इस रसमलाई केस को तू ही डील कर। ओके पापा। भाई सुरेश, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सब कुछ हैंडल कर लिया। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं हूँ ना। थैंक यू भाई। सुरेश जी भाई, ये बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बड़ी छोटी बहन नहीं है क्या? नहीं भाई, इकलौती बेटी है। क्या हुआ? सुन सुरेश, तू जा भाई, जा। ठीक है भाई। जॉन कंट्रोल यार। भाई जिस लड़की को आपने पकड़ा है वो कौन है? अजीब आदमी है, उसे तूने माँ बना दिया और पूछ रहा है कि कौन माँ है? कसम वो? मैं उस लड़की को नहीं जानता। सुरेश भाई ने जो लोकेशन दिया था वहाँ यही लड़की खड़ी थी। अब वहाँ पे जो लड़की खड़ी होगी उसी को उठाऊंगा ना। कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। अफसोस यह है कि एक ब्यूटीफुल लड़की की इज्जत का भाजीपा बन गया। अब तुम ही लोग संभालो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुमने समझा क्या है? johnny.com को समझा क्या तुमने? प्यार करना आता है लेकिन सही एड्रेस देना नहीं आता। भाई एक अनजान लड़की को जाने दो उसे। ए तू कहाँ जा रहा है? तू जाकर उससे सॉरी बोल दे, शरीफ लड़की है बेचारी। नमस्ते दीदी। सॉरी दीदी, अंडरस्टैंड करने गया था, मिसअंडरस्टैंड हो गया। दीदी दीदी दीदी, ब्लडी फेलो, कहाँ है वो दोनों? वो दोनों वो दोनों तो बहुत अच्छे हैं दीदी। अच्छा हाँ, कहाँ गए वो? बुला कर लाऊं उन्हें। रुको अभी लगाता हूँ। अरे उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ सूटकेस लेकर आ जाओ। चटाई, गद्दा, बेडशीट, गैस चूल्हा सब तैयार करके रखा है। वास्तु भी करेक्ट है, न्यूरोलॉजी भी करेक्ट है। हैं? काट दिया। अरे यार, हो सकता है कि उसकी बड़ी फैमिली हो। अरे तू चुप रह भाई, मैं जोड़ जुगाड़ का इंतजाम कर चुका हूँ। मैंने क्या कहा था? अरे वही छोटे छोटे बच्चे साथ में। शिट। ए, वहाँ किसी की कार आई है। अबे देख तो, व्हाट अ सेक्सी गर्ल यार। अरे बाप रे, ये तो रसमलाई है यार। हेलो, आप लोग कहाँ हैं? वेयर इज योर ऑफिस? मैडम आप कहाँ पर हैं? मैडम बेटी का होटल, गणपति का टेम्पल है ना, उसके सर्कल के पास। मैडम अगर आपको भूख लगी है तो हाथ पैर धोकर कुछ खा लीजिए, हम तब तक पहुँच रहे हैं वहाँ पर। वो सब छोड़ो, आप लोग कहाँ हैं बताओ। मैडम वो पीछे मस्जिद का एरिया है। या इट्स देयर। वहाँ जाकिर हुसैन का तबला सुनाई दे रहा है। तुम लोग हो कहाँ? वो कह रहे हैं मैडम कि हम लोग कव्वाली सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। अब चले। चलो चलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने से बात की ना? हाँ जी।
बुरखा पहन कर क्यों आ गए? इसलिए कि कहीं कोई हमारा चेहरा ना पहचान ले। तुम हमसे लड़ने लगोगी? What? अब वो मेरा मतलब है कि परेशानियों से बचने के लिए सोमवार और शुक्रवार को अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना है। हाजी मस्तान जी ने बोला है, किसी ने हमारा चेहरा देख लिया तो हम पर साढ़े साथ ही सवाल हो सकती है। एनीवे थैंक यू सो मच, आपने हमें घर दिलवाया। हाँ जी, वैसे आपके पास कोई काम ना हो तो यहाँ पर टाइम पास कर सकती है। हमारी कंपनी का नाम है johnny.com, हम दोनों हो जाते हैं ऑन। व्हाट? johnny.com? johnny, यस पापा। लगता है हमारा भांडा फूट गया, अब सर भी फूटने वाला है। हे यू ब्लडी किडनैपर्स, रीटा जस्ट फाइंड आउट वेयर इज द पुलिस स्टेशन। राइट से जाएंगे तो आगे मिल जाएगा। करेक्ट एड्रेस क्यों बताया? तेरे अकल पर भी पड़ता पड़ेगा। लुक व्हाट आई एम गोना डू नाउ। रुकिए मैडम, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। नृत्य करने से ज्ञान मिलता है, शरीर हल्का होता है, मैं जैसा करता हूं वैसा ही करो। ता थाई ता थाई ता थाई। आइए आइए मैडम, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। रुक जा, बताइए मैडम, हम यहाँ बैठे हैं पब्लिक सेवा के लिए, क्या लेंगी? दूध, चाय, कॉफी, मॉल्ट, बॉर्नविटा, मैंगलोर भजिया, फिश करी, कुछ भी। इंस्पेक्टर, वो johnny.com हार्टली वेलकम है ना, वो रेनबो कॉलोनी जॉनी, उन्हें बुलाकर अरेस्ट कीजिए। जॉनी? हाँ। हमारा जॉनी? यस। अरे आप उसे अरेस्ट करने के लिए कह रही हैं? अरे वो ऐसा लड़का है ही नहीं, क्या किया उसने? मैं प्रेग्नेंट लेडी हूँ समझकर उसने मुझे किडनैप किया और मेरी नाक कटवा दी। आखिर जॉनी ऐसा क्यों करेगा, ना रिश्ता ना नाता। देखिए, उसने आपको प्रेग्नेंट किया है, इसका एक गवाह आप ले आइए, मैं FIR दर्ज कर लूंगा। इंस्पेक्टर, व्हाट आर यू टॉकिंग, आप समझते क्यों नहीं हैं? लीजिए वो खुद ही आ गया। देखिए वो johnny.com है। जॉनी जॉनी, आओ आओ प्यारे आओ, यहाँ तुम्हारी चर्चा चल रही है। इंस्पेक्टर, kick him and put him behind the bars। ए जॉनी, ये सब क्या है? ये कह रही है तूने इनका किडनैप किया, प्रेग्नेंट किया। अरे नहीं सर, मैं तो औरतों की इज्जत करने वाला एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। पानी में दूध मिलाते ये सुनने के बाद मैंने दूध पीना ही छोड़ दिया। सो मच आई रिस्पेक्ट फीमेल्स यू नो, फिर भी मैं किसी को प्रेग्नेंट कैसे करूँगा? सॉरी मैडम। यही जॉनी है मैडम, बहुत ही शरीफ लड़का है। आपने मेरी कंप्लेंट नहीं ली ना, तो मैं कमिश्नर के पास जाऊंगी। वाह वाह। हाँ? कमिश्नर कौन है जानती? हमारे जीजा जी है। वाह वाह। हम हर वीकेंड पर एक साथ ही। ये केस के लफड़े की क्या जरूरत थी मैडम? वैसे हमारे एरिया में घर मिलना आसान नहीं है मैडम, किसी भी तरह से ये केस कॉम्प्रोमाइज करा दो। यू आर ब्यूटीफुल, आई एम स्टिल वर्जिन। जाओ ना मैडम। प्रिया चलो चलते हैं। क्यों? देख बहुत मुश्किल से हमें घर मिला है और हमें वो घर इन्होंने ही तो दिलाया है, इसलिए अब ये सब रहने दे। कम, लेट्स गो। व्हाट आर यू टॉकिंग? I got to the commissioner. मैं जॉनी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मोबाइल तो लेते जाइए। You bloody rascal! I won't spare you. Even you bloody stupid! मैं अभी भी कुआं हूँ। नित्य करने से जान मिलता है। Why don't you call him at Jairam? Okay, छोड़िए ना। Sorry, I'm sorry. Hey, hi bro, what's up? कल परसों तक छोटे छोटे फ्रॉक पहनकर मुंह में लॉलीपॉप लेकर मेरे सामने उछल कूद करती थी, वही आज व्हाट्सअप हाय ब्रो कह रही है? ए, तूने अपनी सूरत आईने में देखी है? काली बंदरिया जैसी दिखती है। जा, मैंने तेरी नजर अपने पास रख ली, जा बाद में बात करूंगा, सीधे घर जाना, मम्मी को फोन कर रहा हूँ। सावधान ब्रो, बुलाना आज का ट्रेंड है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? ओ, ऐसा है क्या मैडम? हाँ? ब्रदर को ब्रो कहते हैं, सिस्टर को सिस कहते हैं, डॉक्टर को डॉक्स कहते हैं, तो फिर बी जयराम को पिज्जा कहने में क्या फर्क पड़ता है? गुस्सा तो आपकी नाक पर रहता है मैडम। व्हाट अ बेबी यार। बड़े पापा टाटा, मैं आ गया। आइए मैडम बैठ जाइए। ये हैं मकान मालिक दाढ़ी काका, आप कैसे हैं? हम तो ठीक है, तू कैसा सब है? आप जैसों का आशीर्वाद है दाढ़ी बाबा। आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, उसमें कोई कमी? अरे अमर बचवा, कैसन बात कर रहे हो, बहुते मिलता है ओ, लेकिन हम हाँ। ही वोट नहीं डालते हैं समझे। अच्छा, इस उम्र में भी आपको मिलती है क्या? अरे क्या बहुत ज्यादा। लड़की कौन है तुम्हारी? लुगाई है? एकदम सही पहचान। व्हाट इज लुगाई? वाइफ। वाइफ? मिस्टर ओल्ड मैन, मैं कोई लुगाई वुगाई नहीं हूँ, दिस इज टू मच। जॉनी समझाओ इन्हें। दाढ़ी बाबा, ये हमारी लुगाई नहीं है, आपका जो घर है ना उसे किराए पर लेने के लिए आई है। अरे हम अभी फिक्स कर देते हैं, तुम्हें भी तो लुगाई की जरूरत है। क्या क्या है ना दाढ़ी बाबा, इस जमाने में फेसबुक में लव करके, वीडियो कॉल से संसार बसा के, व्हाट्सएप से बच्चों को डाउनलोड करते हैं ना, इससे बचने के लिए इसके पापा ने इसकी शादी बचपन में करवा दी। अच्छा। और शादी के एक साल बाद ही ये दो बच्चों की माँ बन गई। व्हाट्सएप पे देखा होगा, माइकल जैक्सन की तरह चीची करके डांस करते हैं। अच्छा। ये उन्हीं की मम्मी है, योगा करने की वजह से ऐसी दिखती है। व्हाट द हेल जॉनी, मैं किसकी माँ हूँ? मैडम आजकल आसानी से मकान नहीं मिलता, फैमिली वालों को ही रूम मिलता है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अरे बिटिया, तुम्हारा मर्द काम का करता है? इनका मर्द एक बहुत बड़ी मशीन है।
मशीन है? हाँ, कटिंग मशीन, फिटिंग मशीन, वॉशिंग मशीन बिगड़ जाती है तो इसका पति ठीक करता है। मतलब बहुत बड़ी मशीन है वो। हमारे दिल का मशीन खराब हो गया है, काउ ठीक कर देगा? आपकी मशीन बनाने के लिए कसाई वाले में जाना पड़ेगा, वो लोहे की मशीन बनाता है। इस उम्र में कोई दो बच्चा एक साथ थोड़े ना जन्म देता है, तुम्हारे में अकल है कि नहीं? व्हाट, इतना कम उम्र में तो कैसे मां बन गई? मैडम, दरअसल मकान भाड़े पर देने से पहले ये आपकी पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं। आपने ऑपरेशन करवा लिया है ना मैडम? जॉनी, दिस इज टू मच। ये ओल्ड मैन ज्यादा बोल रहा है और उसे देखकर तुम ज्यादा बोल रहे हो। ना वो घर चाहिए ना ये ओनर चाहिए, और तुम तो बिल्कुल ही नहीं। आई वॉन्ट माई एडवांस बैक, मुझे अभी चाहिए। मैडम थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। क्यों? पेपर साइन करने के लिए थोड़ा सा तेल लगाना पड़ता है। काका सुनो, अरे हम तो अंगूठा छाप है। अंगूठा छाप है तो इसका ये हाल है। साइन करना आता होता तो पूरी कॉलोनी को निकल के डकार तक नहीं मारता। तुम्हारे बचपन में लड़का लड़की कितने हैं? सब समझता हूँ। रुकिए मैडम, मैं एक लड़का हूँ, वो एक लड़की है, दोनों बंदर जैसे हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने। तुम्हें क्या करना है, एक पैदा करें या 15 पैदा करें? उसका परिवार है, वो जाने। तुम्हें क्या लेने देना? मैडम कहाँ जा रही?